नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब नशे के कारोबारियों की यूपी में खैर नहीं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हुआ गठन। अवैध शराब और ड्रग माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की सीएम योगी ने की समीक्षा। प्रदेश भर के ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा, यह सभी है राष्ट्रीय अपराधी। नशे का कारोबार करने वालों के भी सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे पोस्टर। इन्हें हर हाल में होना चाहिए दंडित। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, विविधता को आदर के साथ संदेश लेकर चलने से ही अमृतकाल के सपनों को किया जा सकता है पूरा। मोदीपुर स्थित बने दो अवैध रेस्टोरेंट को जीडीए के द्वारा करवाया गया ध्वस्त। जीडीए इंजीनियर ने कहा, ताल की जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था रेस्टोरेंट, नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे थे, खाली करवाया गया ध्वस्त। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एडवोकेट एवं पूर्व एमएलसी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, स्वर्गीय नागेंद्र नाथ जी थे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कानूनविद, समाज सेवी और शिक्षावादी। जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए त्रिनेत्र अभियान के तहत शहर की हर गली चौराहों पर व्यापारियों और आम व्यक्तियों की मदद से लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एडीजी जोन ने शहर के सभी व्यापारियों के संघ की बैठक। कहा, क्राइम को रोकने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की है महत्वपूर्ण भूमिका। एसपी लाइन राहुल भाटी का एसपी सिटी बरेली के पद पर हुआ स्थानांतरण। सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने माल्यार्पण कर दी बधाई। मकान में घुसकर चोरी करने वाले दो अभियुक्तों शाजिद अली व कैलाश चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का एक टुल्लू मोटर, 8 छोटा तांबे का पाइप किया बरामद, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी ने अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियों को किया दूर। कहा, देश की रक्षा में युवा शक्ति व अनुभव के सेतु बनेंगे अग्निवीर। पाकिस्तान में सिख महिला का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने पर सिख समाज ने पाकिस्तान का फूका पुतला। भारत सरकार से कदम उठाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। और 24 अगस्त को चरगावा आईटीआई में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने कहा, रोजगार मेले में शामिल हो अधिक से अधिक अभ्यर्थी, रोजगार मेले का ले लाभ। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में दंगाइयों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद अब योगी सरकार प्रदेश के ड्रग माफियाओं पर चाबुक चला रही है। सीएम योगी ने आज अवैध शराब और ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने ड्रग और अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन कर दिया है। इसके तहत जोन क्षेत्रीय स्तर पर नारकोटिक्स पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में बाराबंकी और गाजीपुर में नारकोटिक्स थाना स्थापित किए जाएंगे। वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पूरे उत्तर प्रदेश में 3 रीजन वेस्ट, सेंट्रल व ईस्ट में विभाजित किया गया है। मुख्यालय स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक ANTF होंगे, जिनके साथ पुलिस अधीक्षक ANTF ऑपरेशन एवं पुलिस अधीक्षक ANTF मुख्यालय नियुक्त रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय नियुक्त होंगे।
तीनों रीजन वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होंगे। वेस्ट रीजन के अंतर्गत मेरठ, बरेली, आगरा, सेंट्रल रीजन के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर तथा ईस्ट रीजन के अंतर्गत प्रयागराज, गोरखपुर व वाराणसी जोन आएंगे। इन जोनल प्रभारियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बल्कि राष्ट्रीय अपराध की तरह देखा जाएगा, क्योंकि ये लोग समाज की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये युवा आने वाले भारत के भविष्य का आधार है। ऐसे में इसमें संलिप्त माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, इस अभियान में चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर इनके पोस्टर भी लगाए जाए, ताकि राष्ट्रद्रोहियों और समाजद्रोहियों को सबक सिखाया जा सके। पहले चरण में चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर के 342 हुक्का बारों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के 4338 ठिकानों पर छापे मारते हुए 785 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, इन लोगों के पास से 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम सभी को एक ही संदेश लेकर चलना होगा, हमें आगे बढ़ना है, हमें ताकत चाहिए। ताकत एकता से पैदा होती है और एकता विविधता को स्वीकार करना, विविधता को आदर करने से हमें एक बनाता है। अमृतकाल के सपनों को पूरा करने के लिए एकता की ताकत की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, आधे घंटे बोले 35 मिनट, एक ही संदेश है और कोई नहीं, हमें आगे बढ़ना है। अब हमारा अमृत काल है, हमें ताकत चाहिए। ताकत एकता से पैदा होती है और एकता जो डाइवर्सिटी विविधता, बल्कि इसके लिए सही शब्द है बहुधा, संस्कृत में जो शब्द है वो है बहुधा। बहुधा को स्वीकार करना, बहुधा को आदर करना, विविधता का आदर करना, वो हमें एक बनाएगा और एकता की ताकत हमें जरूरत है अमृत काल के सपनों को पूरा करना। सर, यूथ लाइफ से आप राजनीति में कदम उठाते, युवाओं क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो हम कहाँ रहेंगे 100 साल, हम 100 सवा साल कहाँ देखेंगे भाई, युवाओं के लिए ही है। ZDA के द्वारा मोहद्दीपुर स्थित ताल की जमीन पर बने 2 अवैध रेस्टोरेंट को ध्वस्त करवाया गया, जिसके संबंध में ZDA के इंजीनियर कृष्ण सिंह ने बताया कि यह दोनों रेस्टोरेंट अवैध हैं, जो कि ताल की जमीन पर बना है, जिसको खाली करवाया गया है। उन्होंने कहा, दोनों रेस्टोरेंट संचालकों को कई बार नोटिस दिया गया और यह लोग नोटिस लेते नहीं है। सोमवार को भी बताया गया कि खाली कर दीजिए, मंगलवार तक खाली नहीं करने पर खाली करवाया गया है। वहीं इस संबंध में कैंपियरगंज के न्यायिक अधिकारी अनुपम मिश्रा ने कहा कि ZDA के द्वारा अतिक्रमण को खाली कराने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन सोमवार तक अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद मंगलवार को अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया गया है। वहीं दुकानदार राजू सिंह का कहना है कि बिना नोटिस दिए खाली करवाया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट से कम 20 से ज्यादा लोगों का परिवार चलता है, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेस्टोरेंट संचालक राजू सिंह और ZDA के इंजीनियर कृष्ण सिंह व कैंपियरगंज के न्यायिक अधिकारी अनुपम मिश्रा ने कहा, हट रहा है ना भैया, तो कह रही थी ये सब लोग पहले
मेरा नाम राजू सिंह है। यहाँ पे 9-8 एक ही अपार्टमेंट में 3 होटल है। 2 होटल को हमेशा परेशान किया जाता है, वही अदालत होटल को कोई परेशान नहीं करता है। आखिर क्यों नहीं करते हैं? हम लोग यही सोचते हैं और डेली बाई डेली अदालत होटल में मिट्टी डंफर के गिरती है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। हम लोग को सर हमेशा गरीब आदमी को परेशान करते हैं। किशन सिंह हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोरखपुर विकास प्राधिकरण। हाँ, ये अतिक्रम, ये अवैध निर्माण है जो ताल के बराबर है, मैं इस बात खाली कराया जाए। सर कोई इनको बता रहे हैं नोटिस भी नहीं? सब नोटिस हैगा, सब लोग नोटिस हमारे पास है यहाँ पर, वो चाहे ऑफिस में आकर देख लें, सब नोटिस है। ये लोग नोटिस लेते नहीं है और जब हराने का टाइम आता है तो ये कहते हैं हमें नोटिस नहीं मिला। सब नोटिस है हमारे पास, यहाँ पर भी नोटिस, जब आएंगे एसडीएम साहब उनके सामने दिखा भी देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। सर खाली करवाया हाँ, GDA के तहत ये भूमि को खाली कराने हैं तो इनको निर्देशित किया गया था, लेकिन कल ये पाया गया कि इन्होंने स्वयं ये अतिक्रमण नहीं हटाया। उसी के क्रम में GDA और यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इनको पहले से सूचित किया गया था, कल GDA की टीम पूरी दिन इन लोगों के साथ संपर्क में थी और इनको प्रोत्साहित किया गया था कि अतिक्रमण स्वयं हटा ले, लेकिन आज ये पाया गया कि अतिक्रमण नहीं हटा है, उसी के क्रम में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एडवोकेट एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल लाइन स्थित एक निजी क्लब में स्मृति व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर तथा स्वर्गीय नागेंद्र नाथ जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि बाबूजी सबसे वरिष्ठ व जानकार विधायक रहे, यह लोगों को प्यार से समझाते थे, उनके अंदर आत्मिकता का भाव होता था। उन्होंने कहा कि एक रूपता से राष्ट्रीय एकता को, भारत पुरातन काल में विविधता को स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि नागेंद्र नाथ सिंह एक बहुत बड़े कानूनविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी, शिक्षावादी थे। इस अवसर पर पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, डॉक्टर पी के राय, आरबी सिंह, निर्मल सिंह, शीतल पांडे, स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह के सुपुत्र समाज सेवी राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रामजस ने कहा, नमस्ते, इसमें ये है
श्री राजेश सिंह जी से अनुरोध है कि अतिथि मंत्री ऊर्जा सिंह कराने में सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हो गया है। मनीष प्रताप सिंह जी आप भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को जागरूक किया और एक जनता का गठन हो, लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, भाईचारा है, फिर अंदर आदमी है वो खाली स्थान पर बैठे। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने पुष्पांजलि की, श्री शुक्ला जी रमेश साहब ये बच्चे जो वापस जा रहे हैं वो वापस आ जाए। हमारे बीच जो हमारे अतिथिगण यहाँ मंच पे हैं, खासतौर से हमारे डॉक्टर पी के राय साहब को हम आमंत्रित करते हैं। शुक्ला जी सर, डॉक्टर साहब प्लीज। यादवेंद्र शिवनाथ, विश्वजीत तिवारी और अजय राय। डॉक्टर पी के राय साहब के लिए। इस देश में करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि को इस देश को समझाने वाले हमें सौभाग्य है कि हमारे अयुवा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आज खुल गए। आज ये हमारे सौभाग्य की बात है कि महामहिम आज जो अलग जगा रहे हैं, आज उसकी आवश्यकता है। इसको हटा बोला मेरे गार्जियन आप बता रहे हैं समाज सेवा ही आपका धर्म रहा है। राजेश भी आप भी आइए, आप भी आइए। स्वयं सम्मानित महसूस कर रहा है, एक बार फिर से तालियां आपका बजा रहा है। प्रणाम जी, गानी जी, साहित्य सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए आज इस मंच पे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा तालियों से इनका बहुत सारे लोग उस समय कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, साहित्य सेवा में लगे हैं। गुलदस्ता नीचे कर दिए, छिप रहा है ना। और अब रणजय सिंह एडवोकेट को हम आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया वो मंच पे आ जाए। रणजय सिंह एडवोकेट को सम्मान देकर मंच पे सामने श्री राम आश्रय यादव जी नीचे कर लीजिए। श्री श्याम जी त्रिपाठी श्री श्याम जी त्रिपाठी पत्रकारिता के क्षेत्र में
नीचे कर दीजिए। इधर सामने देखिए। मंत्री लाइ मुझे दी ये सब सम्मानित किया गया तो अपने स्थान पर रहे और अपना सवाल और अपना मोमेंटो रखने मीडिया के साथ प्लीज और पीछे मसाला चला गया मसाला धक्का न दो यार सर धक्का न दो क्या कर रहे हो पीछे आओ उन्ना पीछे आओ और भैया भैया मुझे भैया मुझे जी निकल ये भी खोल दिया जाए नहीं निकाल भाषा की विविधता हो सकती है वेश की विविधता हो सकती है लेकिन जब राष्ट्रीय एकता की बात आएगी वही स्थिति होती है जैसे हम सभी लोग खड़े हो गए हैं जो ही जन गण मन अधिनाय शुरू हुआ है। वैसे तो प्रोटोकॉल में है कि महामहिम राज्यपाल जब आएंगे तो भी राष्ट्रगान होगा अगर कार्यक्रम के उपरांत निकलेंगे तब भी राष्ट्रगान होगा लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी भारत की यही विशेषता है कि विभिन्न भाषा संस्कृति विचार इसके रहने के बावजूद भी हम एक हैं। और इसका इधर के क्षणों में अगर हम विचार करें तो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन हुआ तो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन हुआ वह इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता है। न तो किसी को किसी की भाषा समझ आती थी अगर वो केरल का होता था वह तमिलनाडु का होता था तब तो प्रांतों की स्थिति नहीं बहुत नहीं थी कहीं संयुक्त प्रांत था कहीं कुछ था लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में एक बात थी कि हमें इस देश को स्वतंत्र कराना है। राजनेता थे आपने मौका दिया कि मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकूं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं, उनकी स्मृति में और मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूं एक ये अपने निजी अनुभव से कहता हूं कि नौजवान होने के कारण उत्सुकतावश थोड़ा आवेशवश आप अगर कोई ऐसी बात भी कहते मैं कम से कम अपने बारे में कह रहा हूँ जो तथ्यों पर आधारित नहीं थी या जो उचित नहीं थी तो वो उनकी एक खास खूबी थी कि वो तुरंत बात को काटने की बजाय बहुत प्यार से समझाते थे बेटा थोड़ा और पढ़िए और मुझे ऐसे लोगों के पास बैठने का बहुत शौक था जो जिनकी छवि ये थी लखनऊ में कि ये बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले लोग बाबू शिव मंगल सिंह जी होते थे बनवास जमुना दास बोस जी बोस जी किसी काम से नहीं
अपने सत्य प्रकाश मालवीय जी को एक वो जो एक बौद्धिक स्तर पे जब आप किसी के साथ बातचीत करिए और आप सीखने की दृष्टि से जाइए तो उसके कारण जो एक आत्मीयता का भाव आता है। और भी कुछ लोग थे लेकिन ये मैं मुख्य नाम बता रहा हूं। तो ये मुझे सच में नहीं पता था जिस वक्त मैंने मुझे जब मुझे बताया गया कि उनकी स्मृति में ये सभा है, ये तो मुझे बात को पता चला कि राजेश जी उनके सुपुत्र हैं। तो भाई राजेश जी बहुत धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि जिस आदमी से मैंने बहुत सीखा, मैंने आपसे कहा मैं तो बिल्कुल मुझे असेंबली गेट से लेके और जो विधानसभा का कक्ष है वहां तक पुलिस वाले पहले मुझे गेट पे रोकते थे, फिर मुझे कक्ष में घुसने से रोकते थे। वो समझते थे कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट असेंबली में घुसने की कोशिश कर रहा है। मेरी आदत बन गई अपना आइडेंटिटी कार्ड जेब में रखने की, और फिर मैं उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखाता था तो वो बेचारे से रोक कर। इतनी उम्र थी मेरी, इतना तजर्बा था, एक तरह से कहिए बिल्कुल कुछ आता ही नहीं था। हाँ थोड़ा पढ़ने का शौक था और उनके पास बैठने का शौक था जिनके बारे में पता चलता है कि ये पढ़ते लिखते हैं। ये हमें उनके पास देने को कुछ था और हम लेना चाहते थे। मेरा नाम रामयश है। स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की ये 10वीं पुण्यतिथि पर ये आयोजन हुआ था, जिसमें जिसके मुख्य अतिथि केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान और इसकी अध्यक्षता शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया। प्रतिवर्ष यहाँ पर पुण्यतिथि के अवसर पर कोई न कोई सब्जेक्ट चुना जाता है जिस पर व्याख्यान होता है और लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है। उसी क्रम में गवर्नर साहब भी आए थे और उन्होंने भारत में विविधता में एकता की विषय पर ये पूरा व्याख्यान चला और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और उसमें हम लोग भी उनके राजेश सिंह जो उनके लड़के हैं हर वर्ष वही आयोजन करते हैं और हम उनके मित्र मंडली में हम लोग इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करते हैं। नागेंद्र नाथ सिंह एक बहुत बड़े कानूनविद थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, समाज सेवी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश की बहुत सेवा किया था, इसलिए हम लोग उनको हर साल याद करते हैं। जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए शहर की हर गली चौराहों पर व्यापारियों और आम व्यक्तियों की मदद से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इसी संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने एनएक्सी भवन के सभागार में जनपद के प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ बैठक किया। संबोधन में अखिल कुमार ने बताया कि जनपद के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा 75 चौराहों को गोद लिया जा चुका है। इनमें 45 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, बाकी 30 स्थानों पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि एडीजी जोन ने शहर के सभी व्यापारियों के साथ शहर को सुरक्षित करने के लिए व्यापारियों की बैठक की। उन्होंने बताया कि त्रिनेत अभियान के तहत अपराधियों पर नजर रखने के लिए शहर के हर चौराहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराधी पर कैमरे की नजर रहेगी। इससे शहर में क्राइम को रोकने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी व्यापारी अपने चौराहों पर कैमरे लगाने के लिए अपना सहयोग। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, महामंत्री आलोक चौरसिया, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता सहित शहर के व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अमलेश कुमार अग्रवाल महामंत्री चेंबर ऑफ ट्रेडर्स साहब, संतोष अग्रवाल अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और गोरखपुर महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल बैंक त्रिनेत्र के नाम से और उस
अभियान को महापौर साहब ने ही अपना संरक्षण दिया, आशीर्वाद दिया और नगर निगम ने उस अभियान में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस अभियान में मुख्य योग यह था कि हम जन सहयोग से, जनता के मदद से गोरखपुर में ज्यादा से ज्यादा चौराहों पर सीसीटीवी लगा। सीसीटीवी की क्या उपयोगिता है ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको हाल की कुछ घटनाएं जो गोरखपुर से ही संबंधित है वो मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम तो आपने देखा होगा ट्रैफिक में चेंज, ये शहर में जब पिछले साल आया था तो प्रति सोमवार शनि को ये छपता था कि सोमवार ही जाम लगता है और आप और हम उस जाम से काफी बताने की जरूरत नहीं, आप तो नहीं शहर के ही बाशिंदे हैं कि सोमवार ही जाम यहाँ की एक समस्या थी। अन्यथा भी ट्रैफिक डिसिप्लिन रोड पे नहीं था, ट्रैफिक लाइट्स भी लगी थी पर कोई उसको बॉलर नहीं कर रहा था क्योंकि इन्फोर्समेंट के लिए इतने लोग नहीं थे और इन्फोर्समेंट फुल प्रूफ नहीं था। जैसे ही इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आया और नगर निगम ने उसको इम्प्लीमेंट कराया पुलिस डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस पे, तो आपने देखा अचानक परिवर्तन आया। उस परिवर्तन में महत्वपूर्ण रोल था जो कैमरे लगे हुए, जो कैमरे इन चौराहे पे लगे हैं वो लगातार वॉलेटर्स को कैप्चर करते हैं, चाहे आप रेड लाइट वॉलेट कर रहे हो, चाहे आप हेलमेट नहीं पहने हो, चाहे आपने बेल्ट नहीं लगाया हो, ऑटोमेटिक लाइसेंस पे रीड करके चालान जनरेट हो जाता है और घर पहुंच जाता है। अभी नहीं मिल रहा, थोड़े दिन बाद सबको घर पर मिलने शुरू हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आश्चर्य होगा अगर आप फोटोज देखेंगे हमारे पास कंट्रोल रूम में, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप लोगों में से कितने लोग नगर निगम में स्थित जो ट्रैफिक का कंट्रोल रूम है उन्होंने देखा है, हाथ उठाइए। महापौर साहब ने ही अपने ऑफिस में ही कंट्रोल रूम बनवाया है, उसको देखें आप जाके आपको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से डिसिप्लिन इस शहर में आया। हाल में हमें काफी घटनाओं में नियंत्रण करने में मदद की। अभी मोहद्दीपुर में आज से करीब 20-25 दिन पहले एक मंदिर में के सामने मोहद्दीपुर से आप चले गए और जब हम लोग वहाँ गए तो ये तो समझ आ गया क्योंकि चाबी रहती थी, चाबी नहीं थी, ताला टुकड़ा था, किसी ने दान पत्र का, दान पत्र में साल में दो बार कलेक्शन होता था, 4 से 5 हज़ार रुपये ही मिलते थे उसमें। और सी सी टी वी उन्होंने अपने घर में आने जाने वाले लोगों को कैप्चर कर रहे थे और उसी के जोन में मंदिर भी था और उसमें वो व्यक्ति दिख जाता है और वो स्पॉट जाते हैं। उन्होंने अस्पताल के सामने रात को 4 बजे गोली चला, अब गोली तो चला दी भाई साहब ने, भूल गए कि अब सीसीटीवी का जमाना है। सीसीटीवी से आगे गोरखपुर छोड़ बस्ती में इनको घेराबंदी की, बैगेज तोड़े, 2 गाड़ियों में से 1 गाड़ी फिर हम लोग पकड़ लिए, 1 गाड़ी उस वक्त भागने में सफल हुआ, फिर हम लोग उसको पकड़ लिए। दूसरा केस गोरखनाथ में एक हत्या होती है, हत्या हो गई उसमें जैसा होता है सामान्यतः लोग नामजद कराते हैं और पुलिस के पास कोई चारा नहीं हो जाता है, मर्डर सीसीटीवी में सभी लोग दिख जाते हैं, पास में एक सीसीटीवी लगा था, सारे एक्यूज कैप्चर हो जाते हैं, नाम क्लियर हो जाता है और वो फिर पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। इस तरह के अनगिनत एक मीडिया आया हमारी आपके शहर की, उसको चेंज कैसे तो चेंज कीजिए, उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने पकड़ लिया चेंज कैसे, और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि पुलिस तुरंत खोल ले कि एक अपराधी कहाँ कैसे आया और कैसे चला गया। उसके लिए एक ही रास्ता है जो रेडी स्टाफ ने अपनाया है, त्रिनेत्र अभियान चलाया है जिसमें शहर में आने वाला हर व्यक्ति चाहे किसी तरह का वो कमरे में गया हो, जैसा भी डी साहब ने कहा कि क्रिमिनल आने से गोरखपुर में डरेगा और जब गोरखपुर के कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो आपका व्यापार, हमारा व्यापार, हमारे घर की बहु बेटियाँ, बच्चे, स्कूल से आने जाने वाले बच्चे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। इस अभियान का एक बहुत बड़ा फायदा इस शहर को मिलने वाला है। अब ये 47 कैमरे करीब करीब जैसा अभी उसमें 1-2 नहीं लगे हैं, जैसा कि सर ने बताया 45 कैमरे लग गए, ये विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ये दिए गए हैं, जिस परा है, पैरेंट है, डॉक्टर्स हैं, समाज के लोग हैं, उसकी लिस्ट हमारे पास है। तो इन लोगों ने दिया है अपने ही भलाई के लिए, अपने ही शहर को सुरक्षित करने के लिए। तो जब हमारा पूरा शहर कैमरे से आप लोगों के सहयोग से साबित हो जाएगा
ना व्यापारियों की लूट होगी, ना किसी के साथ छेड़खानी होगी और ना कोई अपराधी बिना कैमरे के नजर में आए बचकर नहीं निकल सकता। जैसा है जिस ने बताया, दो तीन घटनाओं का आपने वर्णन किया, वो एक त्रिनेत्र के द्वारा ही हुआ। शहर के सभी व्यापारिक संगठनों के साथ शहर को सुरक्षित करने के लिए एडीजी साहब और एसपी सिटी एसपी ताकी के साथ व्यापारियों की बैठक बुलाई है। त्रिनेत्र अभियान एक चलाया गया है जिसमें शहर के हर चौराहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाया गया है। ट्रैफिक चौराहे पर जो भी गतिविधियां शहर की होगी या जो भी कोई क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति अपराधी किस्म का आएगा उसकी नज़र कमरे पर रहेगी, कैमरा उसे देखेगा, कैद करेगा। इससे शहर में क्राइम को रोकने अपराधियों पर नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का अभियान पुलिस विभाग ने चलाया है। हम सभी व्यापारियों से समाज के सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस अभियान में सम्मिलित हो और हर चौराहों को कैमरे लगाने के लिए अपना सहयोग दें। जय हिंद। एसपी लाइन राहुल भाटी का एसपी सिटी बरेली के पद पर स्थानांतरण हुआ। इस दौरान पुलिस ऑफिस कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने राहुल भाटी को माल्यार्पण कर बधाई दी। जिसके संबंध में एसपी लाइन राहुल भाटी ने बताया कि गोरखपुर में मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। गोरखपुर में चिल्वाताल थानाध्यक्ष, सीओ कैंपियरगंज, सीओ कैंट, सीओ बांसगांव रहा। जितने दिन गोरखपुर रहा यहाँ पर सभी नागरिकों व अधिकारियों का पूरा सहयोग, यहाँ पर वीआईपी कार्यक्रम को हैंडल करने के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है बरेली में भी लोगों का इसी तरह सहयोग प्राप्त होगा। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, सीओ कैन श्याम देवबिंद, सीओ कोतवाली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा, आपके भाई बिल्कुल ला रहे साहब, वो आप ले आओ जो भी हमारा आप आ गए साहब कर दो पुलिस लाइन में है ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट पता है उसको पुरानी हो गई है, चल रही है बस। ये बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा गोरखपुर में, आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। सारे यहाँ जियोस थे, उनके साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। सारी वीआईपी बेट हो चाहे बाकी लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में एकदम स्मूथ तरीके से सब कुछ संपन्न हुआ। अब उम्मीद है कि वहाँ भी टेन्योर अच्छा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जनता का कितना सहयोग रहा गोरखपुर? जनता का बहुत सहयोग रहा, उसमें एक उसका अभिन्न अंग आप भी हैं, मीडिया का उससे भी ज़्यादा सहयोग रहा, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा सहयोग वहाँ पर भी मिलेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब नशे के कारोबारियों की यूपी में खैर नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हुआ गठन। अवैध शराब और ड्रग माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की सीएम योगी ने की समीक्षा। प्रदेश भर के ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा, यह सभी है राष्ट्रीय अपराधी, नशे का कारोबार करने वालों के भी सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे पोस्टर, इन्हें हर हाल में होना चाहिए दंडित। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, विविधता को आदर के साथ संदेश लेकर चलने से ही अमृतकाल के सपनों को किया जा सकता है पूरा। मोदीपुर स्थित बने दो अवैध रेस्टोरेंट को जीडीए के द्वारा करवाया गया ध्वस्त। जीडीए इंजीनियर ने कहा, ताल की जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था रेस्टोरेंट, नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे थे, खाली करवाया गया ध्वस्त। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एडवोकेट एवं पूर्व एमएलसी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, स्वर्गीय नागेंद्र नाथ जी थे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कानूनविद, समाज सेवी और शिक्षावादी। जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए त्रिनेत अभियान के तहत शहर की हर गली चौराहों पर व्यापारियों और आम व्यक्तियों की मदद से लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एडीजी जोन ने शहर के सभी व्यापारियों के संघ की बैठक। कहा, क्राइम को रोकने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की है महत्वपूर्ण भूमिका। एसपी लाइन राहुल भाटी का एसपी सिटी बरेली के पद पर हुआ स्थानांतरण। सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने माल्यार्पण कर दी बधाई। मकान में घुसकर चोरी करने वाले दो अभियुक्तों शाजिद अली व कैलाश चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का एक टुल्लू मोटर, 8 छोटा तांबे का पाइप किया बरामद, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी ने अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियों को किया दूर। कहा, देश की रक्षा में युवा शक्ति व अनुभव के सेतु बनेंगे अग्निवीर। पाकिस्तान में सिख महिला का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने पर सिख समाज ने पाकिस्तान का फूका पुतला। भारत सरकार से कदम उठाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। और 24 अगस्त को चरगावा आईटीआई में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने कहा, रोजगार मेले में शामिल हो अधिक से अधिक अभ्यर्थी, रोजगार मेले का ले लाभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुर थाने की पुलिस ने मकान में घुसकर चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को राप्ती नगर फेज 4 स्थित नवल्स एकेडमी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान साजिद अली पुत्र स्वर्गीय जवाद अली निवासी जंगल धूषण टोला हैदरगंज थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, दूसरा कैलाश चौहान पुत्र नंबू चौहान निवासी जंगल धूषण ग्राम हैदरगंज थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक टुल्लू मोटर, 8 छोटा तांबे का पाइप बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव नारायण सिंह निवासी B10 पत्रकारपुरम राप्ती नगर फेज 3 थाना शाहपुर गोरखपुर के निर्माणाधीन मकान B11 पत्रकारपुरम में घुसकर दिनांक 15 को टुल्लू मोटर, कोयल कंपनी का बिजली का तार, एसी के तांबे का पाइप चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसके संबंध में वादी द्वारा शाहपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अली, कांस्टेबल प्रीतम कुशवाहा, अखिलेश यादव शामिल रहे। हमारे मेजर
मेजर जनरल सेवानिवृत्त अजय कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे अग्निवीर देश की रक्षा में युवा शक्ति व अनुभव का संतुलन स्थापित करने हेतु सेतु का काम करेंगे। अग्निवीर बनना वह सुनहरा अवसर है जो कौशल विकास और अनुशासन से दक्ष कर युवाओं को उनके भविष्य के लिए कई मार्ग प्रशस्त करेगा। मेजर जनरल चतुर्वेदी मंगलवार अपराह्न महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्तदिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन भारतीय सेना में अग्निपथ विषय पर विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सेना में अग्निपथ योजना को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए भ्रांतियों को सहज तरीके से दूर किया। मेजर जनरल चतुर्वेदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर कुछ लोगों ने अंतर्निहित स्वार्थवश उपद्रव करवाया था। हकीकत यह है कि देश की रक्षा में अग्निवीर बनने वाले युवाओं के पास 4 साल के बाद अवसरों की भरमार होगी। अग्निवीर भर्ती को लेकर सेना की पहली रैली में ही 4.5 लाख आवेदन का आना इन शरारती व स्वार्थी तत्वों को युवाओं की तरफ से करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की विविधता ही हमारी ताकत है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अग्निवीर ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती का योजना है और इसके माध्यम से हम अपनी विविधता की ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि न सिर्फ युवा पुरुषों को बल्कि युवतियों को भी अग्निवीर बनने का अवसर है। नेवी ने 20% अग्निवीर भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। सेना तथा वायुसेना ने भी आगे की भर्ती में ऐसा करने का इरादा जताया है। मेजर जनरल चतुर्वेदी ने कहा कि 1999 के कारगिल वार के बाद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बने कारगिल रिव्यू कमेटी ने सेना में युवा शक्ति व अनुभव के संतुलन का जिक्र किया था। अग्निवीर योजना उसी के परिणाम स्वरूप है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर के लिए उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष तय की गई है, लेकिन गत 2 वर्ष कोरोना से प्रभावित होने के चलते 2022-23 की भर्ती में आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। उन्होंने अग्निवीर को 4 सालों के दौरान मिलने वाले वेतन व उसके बाद मिलने वाली एक मुश्त धनराशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि जोखिम वाले स्थानों पर तैनात अग्निवीरों को अलग से विशेष प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे। उन्होंने यूएसए यूके रशिया इजराइल चीन व फ्रांस में अग्निवीर जैसी योजनाओं का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारतीय सेना की स्कीम सबसे शानदार है। मेजर जनरल चतुर्वेदी ने बताया कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद सेना के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी समायोजित होने का भरपूर अवसर होगा। 25% अग्निवीर योग्यता के अनुसार सेना में ही भर्ती कर लिए जाएंगे। जो 75% शेष रह जाएंगे उन्हें कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF में भर्ती के लिए 10% आरक्षण व आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा उन्हें डिफेंस PSU कोस्ट गार्ड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार आदि राज्यों की पुलिस में भर्ती होने की वरीयता मिलेगी। टाटा और महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने भी अग्निवीरों को सेवायोजित करने की बात कही है। यदि कोई अग्निवीर सेवा के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहेगा तो सेवा पूर्ण होने पर मिलने वाले 11,70,000 रुपए व बैंक लोन की मदद से वह बहुत कुछ कर सकेगा। इस अवसर पर महायोगी विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल बाजपेयी ने कहा कि अग्निवीर भर्ती शुरू होने के 4 साल बाद प्रतिवर्ष 60,000 से अधिक फौजी रिजर्व में जाएंगे। देश हित में इन्हें हम जब चाहेंगे बुला लेंगे। आने वाले कुछ सालों में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स होगी। मेजर जनरल डॉक्टर वाजपेयी ने अग्निवीर योजना को आज देश की आवश्यकता बताते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पास अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं होगी वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। व्याख्यान माला में आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। व्याख्यान माला के आयोजन में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के
कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डी एस अजीता, गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर जासोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। व्याख्यान का शुभारंभ BA MS की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BA MS प्रथम विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने बताया कि सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के अंतर्गत 24 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से आजाद भारत में आयुर्वेद 2014 के पूर्व विषय पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव व पद्मश्री वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा का तथा KGMU लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट का व्याख्यान होगा। पाकिस्तान में सिख महिला का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने के विरोध में सिख समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पाकिस्तान का पुतला फूंका, जिसके संबंध में जड़ा शंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में सिख समाज की महिला का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कदम उठाए, ताकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू सिख सिंधी समाज के लोग सुरक्षित जीवन जी सके। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू सिख सिंधी समाज असुरक्षा व भय के माहौल में जी रहा है। वहां आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हत्या, फसाद, लूटपाट, अपहरण व जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार बनाए जा रहे हैं, जिसका ताजा प्रमाण विगत दिनों पेशावर में सिख शिक्षक महिला का अपहरण फिर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करना है। यह घटना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के कट्टरवादी लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली और अति निंदनीय हरकत है। पाकिस्तान को इस बात की सीख हमारे भारत देश से लेनी चाहिए, जहां सभी धर्म के लोग कितनी स्वतंत्रता और मेल मिलाप से रहते हैं। इस अवसर पर अशोक मल्होत्रा, राजेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, हेमंत चोपड़ा, चरणप्रीत सिंह मोटू, धर्मपाल सिंह राजू, जसपाल सिंह अंबर, रविंद्र पाल सिंह, लालू सिंह, इंदर सिंह, निरंजन सिंह सोनू, परमजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह नीलू, मनोज आनंद, सुनील मेहता, अमरपाल सिंह, अमित सिंह, तेग सिंह, रूपा कौर, त्रिलोचन सिंह, मनी कौर, वंदना जायसवाल, अमित सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटा शंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, होश में आओ पाकिस्तान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, हाय 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 पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, हाय 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 पाकिस्तान, हाय 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 पाकिस्तान के लिए जूता चप्पल और फुटाई, पाकिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान।
पाकिस्तान मुर्दाबाद, जूता चप्पल और मिठाई। पाकिस्तान की क्या है दवाई? जूता चप्पल और मिठाई। पाकिस्तान से क्या? जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। पाकिस्तान में अफगानिस्तान सिंध उस प्रांत में जो है वहाँ पर एक सिख लड़के को जबरन उठा के उसका धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम बना के उसको एक मुस्लिम से जबरदस्ती शादी करा दी गई है, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। अभी तो कुछ लड़कियों को वापस दे, सिख समाज इससे बहुत आहत है। सिख समाज इसीलिए आज पाकिस्तान का पुतला फूंक रहा है और भारत सरकार से डिमांड कर रहा है कि ऐसे लोगों को ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि किसी भी भारतीय पर कोई इस तरह का कार्य कर सके, यही हम लोग की डिमांड है यहाँ पर। जनपद में 24 अगस्त को चरगावा स्थित राजकीय आईटीआई कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में सहायक रोजगार सहायता अधिकारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत चरगावा आईटीआई में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 2 कंपनियों ने 92 नियुक्तियों के तथा सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया है तथा अन्य कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थी रोजगार मेले में भाग लेकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक रोजगार सहायता अधिकारी पवन कुमार पटेल ने कहा, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, कितने कंपनियां हैं और कितने बच्चों को लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत राजकीय आईटीआई चरगावा गोरखपुर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक 2 कंपनियां अपनी 52 रिक्तियों के साथ आ चुकी हैं और इसमें जो है हाई स्कूल से लेकर के स्नातक के बच्चे भाग ले सकते हैं और इसमें उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष रखी गई है। बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश की जा रही है और अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में पार्टिसिपेट करके इसका लाभ उठाएं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब नशे के कारोबारियों की यूपी में खैर नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हुआ गठन। अवैध शराब और ड्रग माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की सीएम योगी ने की समीक्षा। प्रदेश भर के ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा यह सभी है राष्ट्रीय अपराधी। नशे का कारोबार करने वालों के भी सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे पोस्टर, इन्हें हर हाल में होना चाहिए दंडित। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान मीडिया से हुए रूबरू, कहा विविधता को आदर के साथ संदेश लेकर चलने से ही अमृतकाल के सपनों को किया जा सकता है पूरा। मोदीपुर स्थित बने 2 अवैध रेस्टोरेंट को जीडीए के द्वारा करवाया गया ध्वस्त। जीडीए इंजीनियर ने कहा ताल की जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था रेस्टोरेंट, नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे थे, खाली करवाया गया ध्वस्त। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एडवोकेट एवं पूर्व एमएलसी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने कहा स्वर्गीय नागेंद्र नाथ जी थे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कानूनविद, समाज सेवी और शिक्षावादी। जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए त्रिनेत अभियान के तहत शहर की हर गली चौराहों पर व्यापारियों और आम व्यक्तियों की मदद से लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एडीजी जोन ने शहर के सभी व्यापारियों के संघ की बैठक, कहा क्राइम को रोकने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की है महत्वपूर्ण भूमिका। एसपी लाइन राहुल भाटी का एसपी सिटी बरेली के पद पर हुआ स्थानांतरण, सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने माल्यार्पण कर दी बधाई। मकान में घुसकर चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों शाजिद अली व कैलाश चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 1 टुल्लू मोटर, 8 छोटा तांबे का पाइप किया बरामद, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी ने अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियों को किया दूर, कहा देश की रक्षा में युवा शक्ति व अनुभव के सेतु बनेंगे अग्निवीर।
पाकिस्तान में सिख महिला का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने पर सिख समाज ने पाकिस्तान का फूका पुतला। भारत सरकार से कदम उठाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। और 24 अगस्त को चरगावा आईटीआई में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने कहा, रोजगार मेले में शामिल हो अधिक से अधिक अभ्यर्थी रोजगार मेले का ले लाभ। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।